नमस्कार, मैं विपुल सिंह आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एच यू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बी एच यू स्टडी कैपिटल की जो सीरीज चलती है ज्ञान की बात होनहारों के साथ, जिसके माध्यम से हम लोग लगातार बी एच यू के टॉपर्स रैंकर से बातचीत करते हैं, उनका इंटरव्यू लेकर के आपके लिए आते हैं ताकि उन्होंने क्या टिप्स अपनाया था एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम को उन्होंने कैसे क्रैक किया था, इन सारे मुद्दों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं धीरज जी, जिनका एमएससी मैथमेटिक्स में 29th रैंक था, एंट्रेंस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक और जनरल रैंक इनका 29वां रैंक था। यानी बी एच यू स्टडी कैपिटल के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि एमएससी मैथमेटिक्स का यदि आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं बी एच यू का, तो उसको कैसे क्रैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें बात करूंगा बी एच यू के कैंपस के बारे में, इनसे पूछूंगा, जानूंगा। धीरज जी के विषय में थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ, फिर बाकी परिचय ये खुद देंगे। धीरज जी मूलतः गया बिहार से हैं और इसके साथ साथ बी एच यू स्टडी कैपिटल के बी एस सी के मेंटर भी हैं और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी प्रिपेयर करते हैं धीरज जी। तो धीरज जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए स्टूडेंट्स के सामने। मेरा नाम धीरज कुमार है, मैं गया बिहार से हूँ और मैं अब 11th 12th पटना से पढ़ाई किया था और बीएचयू का एग्ज़ाम में दिया था। यहाँ बीएससी में बीएचयू से ही किया हूँ, प्रॉपर बीएचयू से ही किया हूँ। यहाँ आने के बाद, बीएचयू करने के बाद, यहाँ का कैंपस, यहाँ का डिपार्टमेंट वगैरह इतना अच्छा लगा हमें कि मैं एमएससी भी मैं यहाँ के एंट्रेंस दिया और मेरा 29 रैंक आया और मैं यहीं से एमएससी भी कर रहा हूँ। तो आप लोग को भी बहुत अच्छा यहाँ लगेगा अगर बीएचयू आना चाहते हैं तो धीरज जी, जैसा कि आप सभी के सामने इन्होंने परिचय दिया कि इनका जो बीएससी है वो भी बीएचयू से हुआ है और एमएससी भी इनका बीएचयू से चल रहा है। धीरज जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसा कहा कि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, आपने बीएससी भी यहीं से किया है, एमएससी भी यहीं से किया है, तो जरा जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं बीएचयू की, बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की, उनको जरा बताइए कि बीएचयू कैंपस उनको क्यों आना चाहिए और कितना बढ़िया डिपार्टमेंट है और क्या क्या यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ है जिसके माध्यम से चाहे वो बीएससी वाले हों चाहे एमएससी वाले हों बेहतर जगह पर जा सकते हैं बीएचयू के पढ़ के बाद। बीएचयू का सबसे अच्छा कैंपस तो ये है कि यहाँ का नेचुरल ब्यूटी है सबसे बढ़िया, तो यहाँ का बीएचयू जो आता है उसको रास आ जाता है बीएचयू। फिर उसके बाद यहाँ जिस तरह के बच्चे आएंगे, पढ़ने वाले बच्चे आएंगे, तो यहाँ टीचर जो है हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं सारे सहयोगी हैं, यानी कि आप जो भी आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से तो आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको थोड़ा कॉलेज लाइफ जीना है कॉलेज लाइफ भी जीने को मिलेगा। बीएचयू कैंपस ये जो लोग आते हैं यहाँ पर सबको रास आता है बीएचयू, हर तरह का यहाँ का मतलब मौसम मिलता है, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पढ़ाई भी पढ़ने वाले को आते हैं तो यहाँ से अच्छे सब आईएएस ऑफिसर पीसीएस वगैरह भी निकाल के जाते हैं, या फिर आप चाहते हैं थोड़ा कॉलेज लाइफ जीना तो वो भी यहाँ से जी सकते हैं। तो बीएचयू आने के बाद मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको यहाँ का यादें जो रहेगी आपको भूलने नहीं देगी बीएचयू को। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें या फिर सर्वांगीण विकास की बात करें तो बीएचयू कैंपस काफ़ी बेहतर है। वैसे भी आप लोग बहुत जगहों पर बीएचयू के बारे में आपने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा, बीएचयू स्टडी कैपिटल हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे व्लॉग वीडियोज़ बीएचयू स्टडी कैपिटल ने दिया है उसके माध्यम से आपने देखा होगा और लगातार आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा। अब मैं बात करूंगा बीएचयू एमएससी अगर क्रैक करना है स्टूडेंट्स को तो कौन सा वो टिप्स होगा, कौन कौन सी बुक्स होंगी या फिर आपने क्या क्या तरीका अपनाया था। जैसा कि ये जो हमारा इंटरव्यू होता है इसका मूल मकसद यही होता है कि हम टॉपर से जानें कि वो कैसे पढ़ाई किए थे ताकि जो बच्चे हैं वो भी अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकें और एंट्रेंस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। मैं अपना बताऊं तो मैं बीएचयू एमएससी का एग्ज़ाम किस तरह से तैयारी किया हूं, मेरा स्ट्रेटजी क्या था कि अगर आप लोग सेमेस्टर जहां से भी अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप अगर 6 सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर में आप लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो लास्ट का 2-3 महीना जो होता है उसमें आप लोग टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज बीएचयू स्टडी कैपिटल प्रोवाइड करती है, टेस्ट सीरीज हम लोग, मैं खुद तैयार करता हूँ इस पर। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला था। प्रीवियस ईयर पेपर 5-7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर सब लगा के आया था मैं और बीएचयू स्टडी कैपिटल का मैं टेस्ट सीरीज पहले से प्रोवाइड किया जाता था, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी किया था और मैं इस पर खुद टेस्ट सीरीज का प्रोवाइड भी अब मैं खुद इस पर बनाता हूँ। इस साल तो मैं ही बनाया हूँ, 5-7 पेपर बनाया हूँ टेस्ट सीरीज का। तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर, टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर, बशर्ते कि आप लोग बस एग्जाम के 2-3 महीना पहले से आप लोग तैयारी लगे। वगैरह कौन सी होंगी, मतलब कौन सी बुक्स पढ़ें बच्चे जो कि अच्छे तरीके से, जो कि पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और ज़्यादा कठिन भी ना पड़े। हाँ, तो वो बुक में रियल, देखिए चैप्टर होता है एमएससी का मुख्य रूप से जो पूछा जाता है क्वेश्चन, रियल एनालिसिस से, अलजेब्रा से, उसके बाद बीएचयू का एलपीपी होता है, बाकी एग्जाम में नहीं होगा लेकिन बीएचयू में लीनियर प्रोग्रामिंग होता है, उससे 7-8 सवाल आ जाते हैं।
तो ये दो तीन टॉपिक है, फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, फिर यही दो तीन मेन टॉपिक है, रियल एनालिसिस, अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और फिर एलपीपी, तीन चार सब्जेक्ट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें। रियल एनालिसिस बुक के लिए आप लोग, मैं तो पढ़ा था सविता अरोड़ा है या फिर एस सी मलिक है, इससे पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा या फिर हो गया अलजेब्रा, ये सब पढ़ सकते हैं। गैलीनियन का बुक होता है, एलपीपी का कोई भी बुक ले लीजिए, उसका आसान या प्रीवियस ईयर ही काफ़ी एलपीपी के लिए, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बीएचयू एंट्रेंस के लिए पहले आपने कितना पढ़ा था? मतलब अगर माना जाए कि जैसे बच्चे अभी करीब, मैं इस समय जो इंटरव्यू आपका चल रहा है काफ़ी अंतिम समय में चल रहा है, तो बच्चों के पास लगभग 50 दिन बचा है, तो क्या वो 50 दिन का समय, मतलब अगर शुरुआत करते हैं तैयारी की, उन्होंने अपना बीएससी अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो एंट्रेंस एग्जाम को फोकस अगर पढ़ते हैं तो कितने देर पढ़ा जाए और क्या क्या और फॉलो किया जाए कि अच्छे से एंट्रेंस क्रैक कर सकें? देखिए, मैं आप लोग को ओवरऑल बताता हूँ कि हाँ, बीएचयू का मैथ डिपार्टमेंट का टोटल जो सीट है 140 से 150 सीट के आसपास है। दो डिपार्टमेंट है मैथ का यहाँ, एक मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग साइंस, एक मैथ का है, तो दोनों मिला के टोटल 150 सीट है। 360 नंबर का एग्जाम होता है, तो उसमें कट ऑफ जनरली एवरेज जो देखा जाए हर साल का, तो 110 के आसपास ही कट ऑफ रहता है। यानी कि आप लोग को, तो आप लोग अगर 120 से 130 के बीच में नंबर ले आएंगे तो आपका सीट कन्फर्म ही है, लगभग कन्फर्म माना जाए 130 के आसपास में। तो आप लोग इतना नंबर लाने के लिए 1.5-2 महीना काफी है। इसके लिए बस टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है और प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। उसके अलावा हाँ, 5-6 घंटा तो अब पढ़ना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 महीना काफी है। अगर आपको ज्यादा अच्छे रैंक नहीं, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 130-140 नंबर आराम से 1.5-2 महीना में आ जाएगा। अगर जो कोई बच्चा मान लेते हैं 3 साल नहीं अच्छे से मेहनत किया, लेकिन ये 2 महीना भी अगर अच्छे से मेहनत करे, तो गारंटी एक उसको 120-130 नंबर आ जाएगा, उसका एडमिशन हो जाएगा यहाँ पे बीएचयू में। मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऐसा नहीं है कि 3 साल से आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है, जितना अगर कोई गलती हो भी गई है तो उस गलती को ज्यादा सोचना नहीं है, अब से जो समय है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। धीरज सर लगातार टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट होता है। बीएचयू स्टडी कैपिटल का मैं पिछली बार का रिकॉर्ड हमारे यूजी कोर्सेज का रहा है, हमने बहुत ही अच्छा सक्सेस दिया। अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज की बात करूं तो हम लोगों ने अपने यूजी कोर्सेज में लगभग किसी कोर्स में 90% तक का सक्सेस हमने दिया है। तो एमएससी का भी हमारा टेस्ट सीरीज था, और इस बार जैसा कि धीरज सर जो कि 29th रैंक है, तो यही हमारे बीएससी वाले बच्चों को मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, और इसके साथ साथ बीएससी और एमएससी की टेस्ट सीरीज भी इन्हीं के निर्देश में तैयार हो रही है। यानी ये खुद ही बीएचयू स्टडी कैपिटल का पिछली बार टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे, और इस बार ये खुद अपना टेस्ट सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं आप सभी के लिए। तो जिनको इनका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, क्योंकि स्पेशल इनका टेस्ट सीरीज होगा, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा, तो आपके स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर शो करेगा उस पर मैसेज करके जरूर पूछ लीजिएगा, अपना नाम और कोर्स का नाम बताइएगा, एमएससी मैथ्स वाले और बीएससी मैथ्स वाले, तो आपको टेस्ट सीरीज और सारी चीजें जो है वो प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अच्छा, मैं बात करूं कि आखिरी समय में क्या, मतलब जैसे 10 से 15 दिन अगर जब बचते हैं, मान लीजिए 30-40 दिन तो कम से कम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में, जब आखिरी 10 से 15 दिन बचते हैं तो क्या उसमें टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा भी कुछ ऐसा है कि जिसमें प्रयास किया जाए? नहीं 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 नहीं, मैं अपना बताऊं तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर पेपर ही किया था, इतना ही काफ़ी था। उस टाइम उतना टाइम नहीं होता है कि नया थ्योरी कुछ पढ़ा जाए, नया कुछ किया जाए। सिर्फ और सिर्फ उस टाइम जितना क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, जितना क्वेश्चन कीजिएगा उतना फ़ायदा। और बीएचयू का ये फ़ायदा होता है ना, प्रीवियस ईयर लगाने से या टेस्ट सीरीज करने से, ये फ़ायदा है कि बहुत क्वेश्चन रिपीटेड आ जाता है ना। 8 से 10-15 क्वेश्चन मुझे तो रिपीट मिला था, 8 से 10 क्वेश्चन रिपीट आया था, तो आसानी से आप लोग, और सेम टू सेम आप कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा सा डाटा चेंज करके लगभग वही रहता है। यानी कि लास्ट से 15 दिन मैं कहूँ तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लगाइए, उसके अलावा कोई थ्योरी वगैरह नहीं, नया अच्छा, पढ़ना नहीं, कुछ करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर या फिर टॉपिक जो कि सबसे अधिक पूछा जाए या फिर मैक्सिमम पार्ट को कवर करें? बस मैं वही बोल रहा हूँ, 4 टॉपिक, रियल एनालिसिस और एलपीपी। अगर ये दो चैप्टर आप लास्ट टाइम में 15 दिन बचाए तो ये दो टॉपिक एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, मैंने इसका ढेर सारा क्वेश्चन लगा लीजिए सीधी सी बात। उसके बाद ये दोनों होने के बाद भी अगर टाइम बचे तो थोड़ा अलजेब्रा, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएचयू के लिए। तो ये सब टिप्स आपको धीरज सर ने बताया कि कैसे आपको एंट्रेंस को क्रैक करना है और कितना समय लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको फोड़ना है आपको, लेकिन ये है कि अब जितना समय है आपके पास उसको यूटिलाइज कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपको कोशिश तो करना होगा। बिना कोशिश किए, बिना चले आप ये सोचें कि मेरा सपना पूरा हो जाए, मैं बीएचयू में पहुंच जाऊं, तो ऐसा तो नहीं होगा, पढ़ना तो पड़ेगा। धीरज सर, बच्चों को आप आखिरी में क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो आपके बीएससी में आना चाहते हैं, जो कि आपने बीएचयू से ही किया, और या फिर आपका जो एमएससी का कोर्स चल रहा है जिसकी टेस्ट सीरीज प्रिपेयर किया है, जो बच्चे अगर एमएससी में आना चाहते हैं तो उनको शुभकामनाएं?
मैं बच्चों के ही शुभकामना देना चाहता हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अब लास्ट का 2 महीना बचा, 1-2 महीना मन से पढ़िए, इस टाइम सारा कुछ भूल जाइए, पूरा फोकस कीजिए। और हाँ, आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि बीएचयू आने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, लगेगा कि हाँ वो मेहनत मेरा जो है वो सफल हुआ। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं धीरे सर आपको कि आपने इतने अच्छे रैंक के साथ एंट्रेंस को क्रैक किया है, और आगे आने वाले समय में आप अच्छा करेंगे, बीएचयू से लेकर के बीएचयू का भी नाम रोशन करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों में धीरे सर का पार्टिसिपेंट रहता है, तो ये सारी चीज़ें तो जब आप बीएचयू कैंपस आएंगे तो धीरे सर से खुद मिलेंगे तो आपको महसूस होगा। लेकिन आप सभी जो भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि टेस्ट सीरीज़ ये खुद प्रिपेयर कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज़ तो जरूर से ज़रूर ज्वाइन करिएगा। व्हाट्सअप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पर मैसेज करके नाम और कोर्स का नाम बताइएगा, तो हमारी टीम आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए डिटेल्स भेज देंगी। आप सभी को इन्होंने शुभकामनाएं भी दिया है, लेकिन शुभकामनाएं तब आपको काम करेंगी कि जब आपके पास जो 2 महीने बचे हुए हैं उसकी अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी अगर क्वेरी रहती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम लोग ये आपका जो भी मैसेज होगा, जो भी कमेंट होगा, धीरज सर को फॉरवर्ड कर देंगे, धीरज सर आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करूंगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।